हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। सो गाइस, ये ब्लॉग मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि मुझे सारी आपको बतानी है। कहानी ये है गाइस कि मैं जा रहा हूँ USA और मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है दुबई से। तो मैंने सोचा कि यार ब्लॉग मैं दुबई से स्टार्ट करूँ क्योंकि कल मेरी दुबई की फ़्लाइट थी और मैं लेट हो गया। मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना था मेरे घर से। मैं क्या क्या सोचा था बट कुछ कर ही नहीं पाया। और मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ, दुबई एयरपोर्ट पे हूँ। मेरे लिए आज का सबसे बड़ा टास्क ये है गाइस कि ये जो फ्लाइट है ये 16 आवर्स की फ़्लाइट है। मतलब मैं सोच रहा हूँ तो मैं थक जा रहा हूँ, बस मैं सोते सोते पहुँच जाऊँ, यही मैं चाहता हूँ। सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को बहुत लो साउंड कर रहा हूँ मगर मज़ा तो बहुत करूँगा। मेरी ये ट्रिप USA की कुछ अराउंड 14 डेज़ की है। 14 डेज़ में हम लोग बहुत सारी जगह कवर करने वाले हैं। जैसे हम लोग अभी जाएंगे SFS सैन फ्रांसिस्को, फिर वेगस जाना है, मायामी जाना है, लॉस एंजलिस जाना है और क्या बहुत सारी जगह गाइस। और मैं कोशिश करूँगा गाइस कि मैं वहाँ पे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स हैं उनके साथ में मैं कोलैब कर सकूँ। और अगर मैं कर लिया तो वो बहुत अच्छी बात है, वो तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत जल्दी देखने ही मिल जाएगा। बाकी अभी मैं अंदर जाता हूँ और स्टे ट्यून गाइस, बहुत कुछ आने में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो अभी मैं फ्लाइट में अंदर एंटर हो रहा हूँ, तो मेरा बोर्डिंग पास मेरे पास में। हेलो, गुड मॉर्निंग, आई एम गुड। तो गाइस, मैं अभी सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ। बस अभी यही है कि जल्दी से हम लोग अपने होटल पे जाएं और होटल पे जाने के बाद मैं फ्रेश हो जाए, फिर आप लोगों को मैं अच्छी अच्छी यहाँ की लोकेशन दिखाता हूँ। और कल की सिस्टर आई है हम लोगों को लेने के लिए जो कि बहुत अच्छी बात है। कल हाय, मगर अभी फ्रेश हो जाएंगे, मस्ती करेंगे, इंजॉय करेंगे। और यार इतनी दूर आया हो तो यार इंजॉय तो करूंगा। गाइस, ये हम लोगों की होटल है, यहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं। ग्रैंड है यार, वो सामने एप्पल का स्टोर है। मैंने मेरी आई वॉच इंडिया में ही छोड़ के आया हूँ, तो अभी मैं जाके वापस से खरीदूंगा। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे एप्पल की सीरीज 7 चाहिए, 45 mm। तो वो मेरे होटल के जस्ट बाजू में ही है, तो मैं जा रहा हूँ एप्पल के स्टोर। और यहाँ का एप्पल का स्टोर है ना गाइस, जैसा लग रहा है जैसे कॉलेज का कैंटीन है। तो आप देख ही सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैंने अपनी वॉच को इंडिया में छोड़ के आया हूँ, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सीरीज 7 45 mm। मज़ा आई यार इसको पहनने में। और एक एक्स्ट्रा बेल्ट मिला है। Thank you.
बस खाने के लिए अच्छा कुछ नहीं। गाइज व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गाइज। मुझे अभी भी नींद आ रही है, पता नहीं क्यों, बट अब मैं नहीं सोऊंगा क्योंकि मुझे बाहर जाना है, डे लाइट भी है, थोड़ा घूमना है डे लाइट में भी, और थोड़ी वीडियोस फोटोज भी करना है। अब जा रहा हूँ बाहर, आप देखते हैं आज क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेट्स सी। सो मैं एकदम फ्रेश हो गया हूँ और अभी अपने रूम से निकल गया हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं बहुत अच्छी लोकेशन पे। लोकेशन कैसी है? बढ़िया। It's gonna be the city view of San Francisco. अब आप देखेंगे थोड़ी देर में। सब कुछ दिखेगा गाइस, वहाँ से सब कुछ दिखेगा। So guys, अभी हम लोग जो लोकेशन पे आए, इतनी ज्यादा खूबसूरत है और ये बहुत अच्छी लग रही है, मतलब मजा आ रही है देखने में। और अभी ठंडी बढ़ने लगी है गाइस, वापस से ठंडी होने लगी है। हम लोग पहुंच गए फाइनली और अब मजा आने वाली है क्योंकि सब कुछ करने को है नहीं, तो शाम में हम लोग पहुंचे हैं, तो जाएंगे अभी थोड़ा घूमेंगे। और कल मैं शायद कोलैब करने वाला हूँ लॉरेंस से, तो उससे बात करना है और देखना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कल के लिए। इतना तो है कि डांस भी तो ही करेंगे, जो कि डांस अब मुझे भी थोड़ा बहुत अच्छा आने लगा है, तो अच्छा लगेगा। स्टे ट्यून्ड गाइस, देखते हैं कल के लिए। सो गाइस, अभी हम लोग रूम में आ गए अपने और बहुत भूख लग रही है, लगेज वगैरह हम लोग ने रख दिए अपने रूम, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं मैकडी की तरफ, जाते हैं मैकडी खाते हैं और फिर आके जल्दी सो जाएंगे। आज का प्लान ये है कि अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर लॉरेन के साथ में वीडियोस बनाने इंस्टाग्राम के लिए, और थोड़ा वाईटी के लिए भी बनाएंगे, वाईटी शॉर्ट्स के लिए भी बनाएंगे। सो गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ वीडियो शूट करने के लिए और बैग वैग भी ले लिया हम लोग ने, शूट करने के बाद में थोड़े फोटो शूट भी करेंगे, उसके बिहाइंड द सीन भी लूँगा मैं, और बस यही हॉलीवुड वॉक फ्रेम गाइस। यहाँ से मेरे होटल से कुछ अराउंड 2 मिनट ही दूर है और लॉरेन वहाँ आ गई है, बस मैं भी वहीं पहुँच ही रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं हम। सो गाइस, अभी मेरे साथ में लॉरेन है और हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट बनाने वाले हैं, जो कि मज़ा आने वाली है हम लोगों को, बहुत अच्छा शूट करेंगे और एक और कंटेंट है वो उसके बाद शूट करेंगे। जब तक कैमरा मैन आ रहा है तो हम लोग थोड़ा सा डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी हॉलीवुड स्टार्स हैं उनके स्ट्रीट्स पे हर जगह नाम है, मगर एक बॉक्सर है जिनका नाम उन्होंने अपने स्ट्रीट पे नहीं दिया, उन्होंने कहा कि ये मेरा नाम कहीं वॉल पे या कहीं लगाओ, तो उनकी सुनी गई और वो एक बॉक्सर है मोहम्मद अली, जैसे कि आप देख सकते हो उनका जो स्टार मार्क है वो वॉल पे है, जो कि मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है, और इतना प्यारा नाम है उनका मोहम्मद अली, बहुत प्राउड फील होता है गाइस। सो
जैसे भी हम लोग मैकडॉनल्ड में जा रहे हैं। लेट्स गो गाइस, बहुत मजा आ रही है। पहली बार मैंने बीच रोड पे वो स्टेप किया है और लोग भी बहुत हंस रहे थे, लोगों का रिएक्शन भी बहुत आया है। मुझे बहुत हंसी आ रही है मगर बहुत मजा भी आ रही है। लॉरेन बहुत अच्छी है, लॉरेन के साथ में मुझे मजा आ गया और लॉरेन के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि यहाँ पे लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी करे। मगर गाइस मैं वापस आऊंगा यहाँ पे और कुछ बड़ा करूंगा इंशाल्लाह। सच में गाइस, मैंने आज तक इतनी जल्दी कभी इतना फास्ट कंटेंट नहीं बनाया। आपको कैसा लगा लॉरेन के साथ काम? मुझे बहुत अच्छा लगा और लॉरेन बहुत अच्छी है। लॉरेन के साथ में मुझे वाइब भी बहुत अच्छी आई शूट करने में। एंड मेरे फैंस लोग को लॉरेन के साथ में वीडियो चाहिए था और लॉरेन को इतने बड़े बड़े मैसेजेस कर रहे थे। लॉरेन भी बोल रही थी कि मुझे फैंस लोग के बहुत मैसेज आ रहे, तो Hey guys, what's up? कैसे हो आप सब? So guys, फिर से मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जेट लैग की वजह से मैं परेशान हो चुका हूँ। जेट लैग ने मुझे इतना परेशान कर दिया है गाइस कि कब सुबह हो रही है और कब रात हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर अभी ये है कि अभी मैं 15 मिनट सेफ हूँ और बस मैं निकल रहा हूँ। तो टैक्सी आ गई है, कैब आ गई है और हम लोग निकल रहे हैं अभी किंग बैच के पास, जा रहे हैं हम लोग बहुत अच्छी वीडियो बनाने और देखते हैं कैसी वीडियो बनती है। My friend is a prince. I think he likes you. Who, me? Yeah, he's saying he needs $3,000. That sounds like a scam. You want fucking war with me? See, that accent is very suspicious. Baby, no, please. I love you. Please, I need $3,000. My enemies, they're chasing me. Please, I need. Know me? You want to be my fucking enemy? Blood, you want that on you? Everywhere? Peter, let's go. Peter, pick me up, let's go. Peter. The sneaker sound was like So guys, अभी हम लोग हॉलीवुड साइन पे पहुंच गए और सुबह के 8 बज रहे हैं, मतलब 8:18 हो रहे हैं, 8:18। तो एक्साइटेड हूँ मैं शूट के लिए और ड्रोन शॉट के लिए भी, हम लोग ड्रोन भी लेके आए हैं। सो लेट्स सी कैसा होता है। सो गाइस, अभी हम लोग हॉलीवुड साइन पे पहुँच गए फाइनली। थोड़ा सा ऊपर ट्रैकिंग करना पड़ा जिसके आप लोकेशन देख सकते हो। गाइस, ड्रोन शॉट ले लिया हम लोग ने और बहुत अच्छा मिला है। अभी हम लोग निकल रहे हैं यूनिवर्सल के लिए मगर रास्ते में कुछ खाते हुए निकलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बस इतना ही, अभी यूनिवर्सल के लिए बढ़ रहे हैं और एक कोलैब वीडियो भी बनाना है। वहाँ पे एक क्रिएटर आ रही है तो उसके साथ में वीडियो बनाएंगे, कोई VFX वाली, उसको रेफरेंस भेजे। चलो अच्छी कैसा होता है। आज मैं केली के साथ में शूट कर रहा हूँ और केली यहाँ पे सबसे अच्छा VFX वीडियो बनाती है और बहुत मज़ा आने वाली है क्योंकि केली को मैंने एक रेफरेंस वीडियो उसका भेजा था जो कि वो बहुत अच्छा वीडियो बनाई थी एक टाइम पोर्टल का, तो हम लोग भी कुछ वैसे ही करने वाले हैं। सो गाइस, अभी मैं अंदर आ गया और यूनिवर्सल पार्क के और एक्साइटेड हूँ। मुझे देखना है, सबसे पहले मैं जाऊँगा हैरी पॉटर में, फिर इसके बाद मैं जाऊँगा जुरासिक पार्क में। जुरासिक पार्क मेरा छोटा भाई लारे
वो इतना दीवाना है इस चीज़ का, इतना दीवाना है मैं आपको क्या बताऊँ। और मज़ा आ रही है और आप अंदर का माहौल देख ही सकते हो, एकदम चटाक है, चलकता भड़कता। और मुझे लग रहा है कि हमारे कपड़े वपड़े भीगने वाले हैं। हमारे पास कितना बड़ा रिस्क भी है, बहुत पैसा है, टेंशन नहीं है।